कोई भी काम शुरू हुआ है अच्छी नीयत से किया है, फिर उसको लोगों ने इतना लाजिम पकड़ लिया कि कुरान और हदीस से उसका कोई दूर तक जोड़ नहीं, फिर मामला ये आकर खड़ा हो जाता है कई फला साहब पर उन्होंने गलत किया था। ये एक बात अपनी जिंदगी में बिठा दें और इसको अपने पल्ले से मजबूती से बांध लें, हमारे लिए आइडियल और मॉडल नबी की जात और हजरत सहाबा किराम की जात। आइडियल और मॉडल, हम अपने हर काम को हर मामले को नबी और सहाबा की जिंदगी से मैच करेंगे, कोई आदमी की जिंदगी से मैच नहीं करेंगे, कोई मुफ्ती की जिंदगी से मैच नहीं करेंगे। हो सकता है मैं मुफ्ती हूँ, मुझसे गलती हो सकती है, मैं कोई बड़ा कोई मूल का पुतला नहीं हूँ, कोई आलिम है, जरूरी नहीं है कि भाई वो गलती हो सकती है, इल्मी गलती भी हो सकती है, अमली गलती भी हो सकती है। ये इन बातों को अच्छी तरीके से संजीदगी से और फिक्र करके अमल करने की जरूरत है। रबी अव्वल का जो महीना, इसकी बरकत से पूरी इंसानियत पर एहसान इस तरह हुआ कि पूरी इंसानियत को जिंदगी जीने का तरीका नबी अलैहिस्सलाम के वजूद बामसऊद के जरिए मिला। पूरी इंसानियत को जिंदगी जीने का तरीका, भाई कैसा खाना, कैसे रहना, कैसे सोना, क्या करना क्या न करना, बड़ों के साथ कैसे रहना, छोटों के साथ कैसे रहना, पड़ोसियों के साथ कैसे रहना, जिंदगी का एक तरीका और नहज मिल गया। अब हमारा हालत इतने की है, मोहब्बत इजहार मोहब्बत के तरीके होते हैं और ये मोमिन उसको सबसे ज़्यादा मोहब्बत अल्लाह से, ईमान वाले को सबसे ज़्यादा मोहब्बत किससे, अल्लाह से, और अल्लाह के बाद सबसे ज्यादा मोहब्बत नबी से। ये हमारा ईमान भी है, हमारा एतिकाद भी है, हमारा यकीन भी है, बल्कि हमारा एतिकाद अकीदा ये है जिसको नबी से मोहब्बत नहीं वो मुसलमान। अब यहाँ इस उसूल को सामने रखकर एक बात मैं आपको बताता हूँ कि अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत सबसे ज्यादा है, उसके बाद बीवी की मोहब्बत, उसके बाद बच्चों की मोहब्बत, उसके बाद दोस्तों की मोहब्बत, रिश्तेदारों की मोहब्बत। अब हम अपने बीवी बच्चे की मोहब्बत में तो हर मुमकिन कोशिश मेहनत जो बन सकता है वो कर लेते हैं उनको खुश रखने के लिए, दुकान पे 10 घंटे जाना है तो जाना है, चाहे कुछ भी हो जाए, घर की जिम्मेदारी है। डॉक्टर ने माना किया तो उनके चक्कर मार के चला हूं, उनको खुश रखना है। तो अब जो हो सकता है जितनी मुमकिन कोशिश जितनी मुमकिन मेहनत उस मोहब्बत में हम लोग कर लेते हैं, भाई करते हैं कि नहीं करते, अपनी जान की बाजी भी लगा देते हैं अपने बीवी बच्चों को खुश करने के लिए या जिससे मोहब्बत करते हैं उसको खुश करने के लिए। तो एक तरफ इसको रखा, दूसरी तरफ नबी की मोहब्बत को रखा। अब हम ये देखें कि नबी की मोहब्बत और नबी को खुश करने के लिए हमने क्या मुमकिन कोशिश की और कर रखा है। औलाद को खुश करने के लिए, उनकी राहत के लिए पूरी पूरी रात भर जाग लेते हैं, नबी को राहत पहुंचाने के लिए फजर की नमाज का वक्त हमारे पास नहीं, तो आपको ये रात 10-10 घंटे जागना आसान, उन्हें डॉक्टर ने कहा कि इसको सोने मत देना, तो माँ बाप तरतीब से बेदार रहते हैं, 3 घंटे पूरे 3 घंटे में इसका झोंका लग जाएगा, तो ब्लड जम जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, इसको सोने मत देना, हो रहा ही नहीं हो रहा। तो यहाँ तो पूरी पूरी रात की कुर्बानी दे रहे औलाद की मोहब्बत, और यह नबी की मोहब्बत में सुबह अजान करो तो उठने को तैयार। अब बताओ ईमानदारी से, ये रियलिटी वाली मोहब्बत है
के फॉर्मेलिटी वाली मोहब्बत है। हम बिजनेसमैन हैं, अल्लाह ने अकल दी है, अल्लाह ने शोर दिया है, संजीदगी है हमारे पास, पागल नहीं है, हम घास नहीं खाते, अनाज खाते हैं, गल्ला खाते हैं, तो सोचे तो सही। मोहब्बत में ये होता है कि मैं जिससे मैं मोहब्बत कर रहा हूँ उसको क्या पसंद है और क्या पसंद नहीं है। बिल्कुल कपड़े भी ऐसे पहनेंगे मगर उसको पसंद है, गलत बोले वो कहें कि ऐसा। कभी देखिए हम लोग सफ़ेद कपड़े पहनते हैं, कभी दिन में ख्याल है कि मैं सफ़ेद कपड़े इसलिए पहन रहा हूँ कि मेरे नबी को पसंद है। सोचो थोड़ी देर, अगर जो इस ख्याल के साथ सफ़ेद कपड़े पहनेंगे तो सुन्नत का भी जवाब मिलेगा। हम पहनते तो सफ़ेद कपड़े, भाई मेरी बीवी को ये पसंद है, मेरी बीवी को ऐसा चश्मा पसंद, मेरी बीवी को ऐसी टोपी पसंद, मेरे फलाने को ये पसंद, और क्या मेरे शोहर को ऐसी नकली पसंद, ऐसी चूड़ी पसंद। तो कभी वो सोच हम अपने नबी के मुताबिक रखते हैं, मेरे नबी को क्या पसंद है। नबी अलैहिस्सलाम, अब देखिए उनकी पसंद क्या है, उनकी पसंद लोगों को राहत पहुँचाना, लोगों को सब आगे उसने मुसलमान किया है, मेरे उसने किया। अब हम अपनी पसंद देखें कि हमारा क्या है। अब हमारा जो नारा है, हमारी जो तरतीब है, वो भाई मेरी पसंद मेरी राहत, भाई मुझे राहत पहुँचनी चाहिए जिसका जो होना हो। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने भाई रास्ते से तकलीफ देने वाली चीज को हटाना, रास्ते से तकलीफ देने वाली चीज को हटाना, उस पर सदके का सवाब लगाया हुआ है। अब हमारा हाल यह है, रास्ते से तकलीफ पता चला भाई रास्ता क्लियर करो, किसी को तकलीफ नहीं पहुंचनी चाहिए। इससे समझ में क्या आया, हमारा गाड़ी का पार्किंग भी ठीक होना चाहिए। हम जो रास्ते ब्लॉक कर लेते हैं, रास्तों पे बैठ जाते हैं, आने जाने वाले को तकलीफ, शादी ब्याह के मौके पर पूरे इलाके पे कब्जा कर लिया, तकलीफ लोगों। नबी ये कह रहे, नबी के तकलीफ देने वाली चीज को हटाना, ये नबी को पसंद। अब हमारी जिम्मेदारी, अब ये सब काम ऐसे है कि हमको, हम ये मेरे और खुदा के दरमियान का मामला कि भाई हम कभी गाड़ी लेंगे किसी जगह, पहले यहाँ पार्किंग नहीं करेंगे, किसी को तकलीफ हो चले उधर थोड़ा चले, थोड़ा दूर रख देता। अच्छा, ये वो इंसान और खुदा के दरमियान का ही मामला है, किसी के दरमियान का मामला नहीं है। उस वक्त ये तस्वूर कर ले कि मेरे नबी ने तकलीफ देने वाली चीज़ों से दूर रहना और उसको हटाना। लेकिन हटाने को सदका बतला, ईमान फतुल अदा अनिल तरीक, और ये ईमान का हिस्सा बतलाया उसको, ईमान फतुल अदा अनिल तरीक, कि भाई रास्ते से तकलीफ देने वाली चीज को हटाना, ये ईमान का जुज और ईमान का हिस्सा है। तो फिर रास्ते में तकलीफ खड़ा करना, उसका तो क्या होगा। अब हम इसको दीन ही नहीं समझते, हम इसको दीन ही, अब ये शरीयत का हिस्सा है। तो इजहार मोहब्बत के मुख्तलिफ तरीके होते हैं। आजकल उम्मत के बहुत बड़े तबके ने इजहार मोहब्बत में वो तरीका इख्तियार किया है जिसका शरीयत से कोई जोड़ ही नहीं। एक बात अपने दिलो दिमाग में हमेशा के लिए निकाल ले कि जैसे दुनिया में चीज़ों का नसब होता है, जैसे शरीयत में आमाल का भी नसब होता है। हमको 5,000 रुपये की स्कूटी खरीदनी है, गाड़ी खरीदने ले तो बड़ा अच्छी बोला, चाबी दे देता हूँ, गाड़ी घुमा खोने नहीं पाई तो अच्छी बुक दे ले, उसके बाद देख ले, देखते कौन उसका ऑनर है, क्या है, कहाँ तक पहुँचता है। तो दुनिया में जैसे चीजों का नसब होता है,
ऐसे शरीयत में आमाल का भी नसब होता है। हम जो भी काम करें, रमजान में करें कि रबी अव्वल में करें कि पूरी जिंदगी करें, हमें देखना पड़ेगा कि ये काम खैरुल कुरून तक पहुंचता है, हजरत सहाबाए किराम तक पहुंच रहा है, नबी अलैहिस्सलाम की जात तक पहुंचता है, पहुंच रहा है। ओके, नहीं पहुंचता, रुक जा, हमारी भलाई उसी में है। क्योंकि भाई हम देखते हैं कभी कोई ऐसे रास्ते से गाड़ी लेकर चले गए कि हमको पता नहीं था, तो बार बार साइन बोर्ड देखते रहे, बार बार देखते रहे, भाई आगे नजर नहीं आ रहा, बेहतर ही अपने पलट ही जाते, बेहतर ही है। फिर कोई मतलब कोई सिग्नल भी नहीं है, हिंदी भी नहीं है, वो भी नहीं है, हम अपनी भलाई इसी में अपने क्या कर ले, पलट जा रहे। तो ऐसे ही ये जिंदगी का मामला भी ऐसा है, आमाल का मामला भी ऐसा है। अगर हमको कुछ शूर और समझदारी है और नजर नहीं आ रहा है तो बेहतर ये कि पलट जाए, वरना जितने दूर जाएंगे देखिए नॉन वो कहेंगे भाई नॉन एंट्री वाले रास्ते में जितने आगे बढ़ेंगे मंजिल पे पहुंचने के लिए उतना वापस आना पड़ेगा, जितने आगे बढ़ेंगे रास्ते में नॉन एंट्री वाला पड़ता है। इसीलिए हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का मकोला है, लोगों के जरिए हक बात मत पहचान। देखिए ये बिल्कुल इसको बांध दो दिल से, लोगों के जरिए हक बात मत पहचानो, हक के जरिए लोगों को पहचानो, समझ रहे। आजकल जो बिगाड़ ये शख्सियत परस्ती में बहुत पड़ गए, उससे उसमें आदमी इतना अंधा हो जाता है कि कुरान हदीस को भूल जाता है। हम हर चीज को कुरान और हदीस से मैच करेंगे, वहां डालेंगे और तराज में हमारा। हजरत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह है, इतने बड़े इमाम, तो वो खुद फरमाते हैं कि इदा सहल हदीस फहुआ बजरबी, बोले मैंने मसाई कुरान और हदीस से बहुत इस्तिंबात किए हैं, बहुत कुछ मैंने कुरान और हदीस को सामने रखकर उम्मत की रहबरी की है, लेकिन सुनो अगर एक तरफ मेरी बात हो और दूसरी तरफ कोई सही हदीस मिल रही है तो फिर तुम मेरी बात छोड़ देना, उसका मन करो, समझ रहे हो भाई। इजहार मोहब्बत अलग अलग उसके तरीके हैं, कोई नबी को क्या पसंद, वो पसंद अमरी तौर पर हम लोग जिंदगी में लाए, कोई मेरे नबी को ये पसंद है, किसी को तकलीफ न पहुंचे, मेरी जात से भी तकलीफ, मेरे घर में किसी को तकलीफ न पहुंचे। आजकल अब अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने तो रास्ते में तकलीफ देने वाली चीज को हटाना उसकी तालीम दी है, अब हम उसी नबी को मानने वाले, उसी नबी का नाम हमारे घरों में और आपस में एक दूसरे को तकलीफ पहुंचा रहे हैं, भाई भाई से भी डर रहा है, औलाद बाप से डर रही है, बाप बल्कि इस जमाने में ज्यादातर माँ बाप औलाद से डर रहा है, वह रास्ते से तकलीफ देने वाली चीज को हटाने का कह रहा है, घर में तकलीफ पहुंचा रहा है, तो कहां सीरत का जोड़ है, कहां सीरत का जोड़ है, ये तो बताओ। देखिए सीरत नबी अपनाने का हमें हुक्म है, इसका हुक्म है अपना दे, बीवी से शादी की, शादी की भी सेना मनीने का सालगिरह होती है, ये यहूदियों की उशार है, ये अपने घरों से खत्म करो। ये कोई साथ मना रहा था कि मेरी बीवी ने मेरे को ये गिफ्ट दे, क्या क्यों गिफ्ट दिया, बोले मेरी शादी की बरसी है, अकल में कैसे पर्दे पड़ गए, अकल पर साथ गिरा ना, उसको हदिया देने, समझो थोड़ा। हम लोग देखिए हमसे नेकियां तो होती नहीं है भाई, तो गुनाह क्यों करें मामूली मामूली बहानों से, शरीयत से कोई साबित नहीं है। खाने डाल का हमारी बर्थडे का तो फलानी सिगड़ी में जाने का, हमारे शादी का ही है तो फलानी सिगड़ी का, तेरी पूरी जिंदगी बिगड़ी जिंदा रहे भाई। बीवी शादी को शादी का जो महीना है ना, फला तारीख अपनी शादी फला तारीख को अपनी मंगनी हुई थी,
और फला का ये देख साल में जो है ये इतने टाइम तो तुम बोले ऐसा, लेकिन बाद में नाम आते ये भाई फला जाने वाले में शादी हुई थी, फला लज्जत में हुई थी, फला वो महीने तू बोले ऐसा, लेकिन तुझे अल्लाह के वास्ते 335 कबूल करेगी उसको। बोले तो बोले भाई वो कबूल किया है, क्या मैंने कबूल किया तो वो जानेवारी में भी कबूल करा, फेब्रुआरी में भी, मार्च में भी, इंग्लिश महीने में भी और अरबी महीने में भी और रात में भी, दिन में भी, सुख में भी, दुख में भी, सबने कबूल करा है। हमारा हाल ऐसा है यहाँ पर, वो जैसे देहातों में कमा निकलता बिल्ली का टोप, वो बिल्ली का सफेद आता है ना, बिल्ली का टोप भी कहते हैं उसको अरबी में, उसको कमा कहते हैं बारिश के जमाने में, वो फूट निकलता है, फिर बारिश का जमाना गया तो खत्म दिखता नहीं, बराबर ये यार हमारा हमारा ये इश्क की मोहब्बत कभी रमजान में फूट निकलती है, कभी रबी अव्वल में फूट निकलती है, कभी बाद में नामा करते हैं। भाई कलमा जो पढ़ा है वो रमजान के लिए भी पढ़ा है, शाबान के लिए भी पढ़ा है, रात का भी पढ़ा है, दिन में भी पढ़ा है। नबी जो हमारे नबी है ना, वो गम के भी नबी है, खुशी के भी नबी है, इबादत के भी नबी है, मामलात के भी नबी है, तन्हाई के भी नबी है, हमारी खलवत के भी नबी है, हमारी जलवत के भी नबी है। हमारे माँ बाप नहीं थे तब भी वो हमारे नबी थे, और नहीं होंगे तब भी नबी है। इतनी बेजती की बात, बीवी से मोहब्बत तो रात दिन बीवी की मोहब्बत को फॉलो कर रहा है, और नबी की मोहब्बत तो कुछ नहीं। ये कैसे मोहब्बत है हमारी, समझो। अल्लाह ने अकल दी है, शऊर दिया है, ये रबी और अव्वल का महीना, जिंदगी में तब्दीली लाओ इससे। ये वहां तो कैसी तब्दीली आई थी जमाने जाहिलियत में, उम्र निकले, क्यों निकले, बोले खत्म कर दो, उमर थे गुस्से में चूरी इतना, गए थे हजरत को कत्ल करने, मगर मिसालत की एक नजर ने उन्हें भी कलमा पढ़ा के छोड़ा। मिशन मोहम्मदी को भूल करने के लिए निकले थे रज़मान अल्लाह ताला, लेकिन थे दुश्मन की सब में खड़े थे, वो दुश्मन की सब में थे, उन्होंने तय किया था मैं इस्लाम के मिशन को मिटा दूंगा, लेकिन नबी की तालीम के करीब जैसे चले गए वो दो दुश्मन दोस्त नबी सब में खड़े हो गए। और कैसे दोस्त बने, अगर मेरे बाद नबी होते तो उमर नबी होते, तो नबी की तालीम दोस्त दुश्मन को दोस्त नबी सब में खड़ा कर सकती है। हम कितने बेगैरत, हम तो मुसलमान और उस नबी की मोहब्बत में न नमाजी बन पाए, न अखलाक बन पाए, न शरीर पर्दा आ पाया, न लोगों की राहत का ख्याल कर पाए, न मामला ठीक कर पाए, न माशरती जिंदगी ठीक कर पाए। हम नबी को क्या जवाब देंगे, सिर्फ इश्क इश्क का दम भरने से काम नहीं चलेगा। इन खयालस को महालस को जुनू, बीवी से मोहब्बत होती है दिन में 10 बार फोन करता है, दुकान में बना लिया, खा लिया, कर लिया। नबी की मोहब्बत में कितनी मरतबा तुम शरीफ पढ़ा रोजाना, बताओ कितना पढ़ रहा है, तौफीक नहीं होती, कभी ख्याल नहीं आता, कभी दिल में तसव्वुर नहीं आता, कभी इसी हालत में मेरी मौत आ गई मैं अपने नबी को क्या मुंह दिखाऊंगा। जिस नबी ने कितनी कुर्बानी दी हमारे लिए, एक मौके पर आप अलैहिस्सलाम उजड़े में मौजूद नहीं, हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला ने तशरीफ लाई, पूछ रही है कहाँ है नबी जी, बोले मालूम नहीं। सहाबा है एक दूसरे को पूछ रहे कहाँ गए, बोले मालूम नहीं। बेकरार बेचैन कहाँ गए होंगे, जंगल का रुख किया। एक चरवाहे को पूछा तूने मोहम्मद नामी शख्स को देखा है, बोले मैं तो जानता भी नहीं हूं कौन है मोहम्मद नामी शख्स। साहबा और रोने लगे कि कहां गए होंगे, साहबा की बेकरारी बेचैनी को देखकर उस चरवाहे ने कहा इतना जरूर है इस पहाड़ की चोटी पर से रोने की आवाज आती है, और जब से वहां से रोने की आवाज आ रही है
मेरी बकरियों ने एक तिनका घास का नहीं खाया। साहबा समझ गए हो न हो आप इस्लाम हुए। दौड़ते हुए उस पहाड़ की चोटी पर पहुंचे, देखा नबी अलैहिस्सलाम सजदे में पड़े दुआ कर रहे, अल्लाह मेरी उम्मत की मशवरत फरमा। जंगल माहौल, नबी सजदे में पड़े, अबू बकर सिद्दीक आगे बढ़ते हैं, नबी जी अपने सर को सजदे से उठा लीजिए। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया उस्ताद की कसम, इसके कब्जे में मेरी जान है, जब तक वो मेरी उम्मत की मगफिरत का वादा नहीं करेगा वहां तक मैं सर को सजदे से नहीं उठाऊंगा। उस नबी के आंसू की हमने क्या गाने रखे। घर में मां होती है, मां के आंसू हमसे देखे नहीं जाते। हमारी बहन होती है, बहन के आंसू हमसे देखे नहीं जाते। हम कितने बेदेवत, वो नबी के आंसू आयशा के पहलू में लेटे तब भी नबी की आंखों से आंसू जाए। बीवी के पास उम्मत के लिए रो रहे। क्या कभी कोई दुनिया में ऐसा उम्मत और अफराद को चाहने वाला होगा कि जो बीवी के लिहाज में रह कर भी औरों के लिए दुआ मांग रहा। कहां चले गए, कहां चले गए, कहां गई हमारी वो गैरत ईमानी। ए अल्लाह हमारी गैरत लुट चुकी है। अल्लाह से खुदा के वास्ते अपना खोया हुआ सरमाया मांग लो, नबी को राजी कर लो। नबी बातों से सिर्फ राजी नहीं होंगे, अमन से राजी होंगे। नमाजों पे लाओ, शरीयत वाली जिंदगी, शरीर पर्दा अय्याशी ओबाशी सब खत्म करो, ये नबी उससे राजी होंगे। वरना भाई गीत गाते रहेंगे, कहते रहेंगे, गाते रहेंगे, कहते रहेंगे, तो ये गीत गाना कहना होना उससे कुछ होने वाला नहीं है और कौमों की तकदीर कभी उससे नहीं बदली। जरूरत है सीरत नबी को अपनी जिंदगी में खुदा के वास्ते अपनाओ। जिन ये रबी अव्वल हमारी जिंदगी में तब्दीली का जरिया बनता है। अब तक सुन्नतों का एहतमाम नहीं करते थे, अब सुन्नतें मालूम कर करके सुन्नतों का एहतमाम करें। प्यारे नबी की प्यारी सुन्नतें, हकीम अख्तर साहब रहमतुल्लाह अलैह की किताब है, इसको अपने घर में बसा। गुजराती में भी मिलती है, उर्दू में मिलती है, इंग्लिश में मिलती है। आप देखिए इस दौर में अगर किसी को कुछ करना है तो हर जबान, हर जुबान में हर चीज मिल सकती है। तो कम से कम घर में रोजाना 2 मिनट, मैं ज्यादा नहीं कहता 2 मिनट, 1420 मिनट में 2 मिनट सिर्फ 2 सुन्नतें पढ़ लो रोजाना। इतना तो हम करें, अल्लाह के नबी की जिंदगी सामने आए। भैया रबी अव्वल का महीना, सुन्नतों पे चलने, हमारी जिंदगी में तब्दीली, नमाजों का एहतमाम, अखलाक की दुरुस्तगी, लोगों की राहत का ख्याल, और आप अलैहिस्सलाम जो असबाब दे कर गए हैं वो असबाब हमारी जिंदगी में उतरने का जरिया बने, उसकी हमें पूरी कोशिश करनी है। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम तमाम को उसकी मर्जी के मुताबिक जीने मरने की तौफीक अता फरमाए, और रब कायनात जनाब रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को की ज़ात अक़दस को हमारी तरफ से और पूरी इंसानियत की तरफ से, जब से दुनिया बनी है तब से लेकर आज तक जितने बारिश के कतरे गिरे हैं कयामत तक गिरने वाले हैं, दरख्तों पर जितने पत्ते लगे हैं कयामत तक लगने वाले हैं, और रेत के जितने जर्रात चमके हैं पूरी दुनिया में कयामत तक चमकने वाले हैं, उससे लाखों करोड़ों अरबों खरबों गुना ज़्यादा अल्लाह ताला उनकी शायन शान नबी अलैहिस्सलाम पर दुरूद व सलाम नाज़िल फरमाए, और नबी के आंसुओं की और नबी की कुर्बानियों की कदर करते हुए हमें उस नबी का सही माने में अमली तौर पर आशिक बनाए।